डी जी वाई सी टी वन थर्टी थ्री पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप ठीक है इसमें सब पहला टॉपिक आपके पास होगा नेचर ऑफ लाइट ये एक बहुत न्यू कंसेप्ट है इससे पहले आपने इसको पढ़ा नहीं होगा उसे ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में कवर करेंगे नेचर ऑफ लाइट लाइट का कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे तो सबसे पहले तो वी ऑल नो कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है अ पार्टिकल नेचर एंड ऑल्सो अ वेव नेचर ठीक है एंड वी ऑल्सो नो दैट कि लाइट के पास डिफरेंट रेंजेज़ ऑफ रीजन होते हैं लाइक इंफ्रा रेड रीजन व वेव रीजन होता है माइक्रोवेव रीजन होता है ठीक है ये सब लाइट्स भी होती रेडियो वेव माइक्रोवेव एंड उस इन सब रेंजेज़ में से सिर्फ एक रेंज ऐसी होती तो है जो कि हमें विजिबल होती है दैट इज़ अ विजिबल लाइट तो विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मतलब जिसमें बहुत सारी लाइट्स आती हैं उसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं उस कलेक्शन तो को क्या कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें से जो विजिबल लाइट होती है वो हमें आराम से विजिबल होती है तो विजिबल लाइट इज़ द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट प्रोजेसिस द ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल फॉर अ लाइट तो लाइट की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वो पोजेस करता है ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एंड कॉर्पकुलर थ्योरी देर आर टू थ्योरीज जो कि लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को आराम से एक्सप्लेन करती हैं सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं हम लाइट को हम कंसिडर करते हैं एज अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाई वाइब्रेटिंग पार्टिकल अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर फॉर द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी मीन्स लाइट अब बेसिकली है क्या अगर मैं बोलूँ वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ लाइट सो लाइट की सिंपल डेफिनेशन ये बनती है इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ठीक है तो यहाँ पर आपके पास कुछ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं मीन्स कुछ पार्टिकल्स इधर इधर हैं आपके पास अब जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तब जाके आपकी लाइट जो होगी वो ट्रैवल होगी मीन्स लाइट यहाँ से आ रही है ये वाइब्रेट किया वाइब्रेट करने का इसको थोड़ा सा वाइब्रेशन मिली इधर स्ट्राइक किया देन फर्दर ये वाइब्रेट करेगा फर्दर ये वाइब्रेट करेगा देन फर्दर ये वाइब्रेट करेगा तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर पार्टिकल्स आराम से वाइब्रेट करते करते इस एनर्जी को ये जो आपकी लाइट आई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेंगे ठीक है अब ट्रांसफ़र करते करते वो दो नेचर शो करेंगे या तो पार्टिकल बहुत बहुत पास में होंगे ठीक है ये आपने शायद पहले फिजिक्स में पढ़ रखा हो तो पार्टिकल क्या होंगे बहुत पास होंगे या तो या फिर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स काफ़ी पास में होंगे

ट्रांसमीटर मीन्स सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई चीज़ यू आर ऑब्जर्वर एंड सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रही है मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल सन तो सन इज़ दी सोर्स ऑफ लाइट तो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से ऑब्जर्वर तक जाए किस तरीके से जाए ट्रांसफर ओ एनर्जी किस तरीके से बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है थीके? तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट नाउ अब ये तो पार्टिकल नेचर की बात रही कि पार्टिकल किस तरीके से मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शन नाउ वॉट अबाउट द वेव नेचर अब लाइट का वेव नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विबक्योर ठीक है वाइट लाइट जो है वो विबक्योर कलर्स का कॉम्बिनेशन है वी इज फॉर वॉयलेट आई फॉर इंडेगो ब्लू फॉर सॉरी बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येल्लो ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड तो वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स वेब क्योर अब इसमें से कलर्स जो हैं अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज वेव लेंथ और इंक्रीज फ्रीकुन्सी ठीक है इसमें से सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है रेड लाइट की यह आपने पहले भी पढ़ रखा होगा फिसली और सबसे कम वेव लेंथ होती है वॉयलेट की ठीक है और इसी के अकॉर्डिंग अब सबसे ज़्यादा वेव रेड लाइट की होती है तो रेड लाइट जो है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर जाती है ठीक है एंड वेव आपके पास क्या होती है आपको पता होगा कि दो सोर्स पॉइंट हैं उनके बीच के डिस्टेंस अगर नहीं पता तो मैं अभी आगे और बताऊंगी बताऊँगी तो समझ लीजिएगा तो ये वाइट लाइट की बात रही कि वाइट लाइट जो है मैनी रेस कंसिस्ट करता है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है और वेवलेंथ की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है वेवलेंथ की रेंज है आपकी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक दिस एन एम स्टैंड फॉर नैनोमीटर ठीक है सो चार सौ से लेके सात सौ नैनोमीटर तक क्या रहती है वेव लेंथ वेरी करती है ना अब वेव मोशन किस तरीके से होता है फॉर एन एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल uh, के लिए लीजिए कि यहाँ पर एक वाटर बॉडी है एनी थिंग पौन्ड लेक रिवर कोई भी चीज़ आप उसमें अगर कोई पैबल थ्रो करते हो कोई भी स्टोन थ्रो करते हो तो उसमें किस तरीके का मोशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा राइस देखने को मिलेगा एंड फिर कुछ इस तरीके का मोशन आपको देखने को मिलेगा ओके यही मोशन जो होता है वेव नेचर का होता है इसी तरीके का कुछ मोशन हमें लाइट वेव नेचर भी शो करती है लेकिन अगर आप इसको घोर से देखो या फिर अगर एक्सप्लेन करें तो वेव नेचर कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ना, जो राइज और फॉल हमने बीच में देखा था वो इस तरीके से होगा तो ये हमारे पास लाइट ट्रैवल कर रही है ठीक है ये डिस्टेंस अब यहाँ पर लाइट कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, जाएगी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी अब जब लाइट ऊपर जाएगी तो उसको कहेंगे क्रेस्ट अब जब लाइट नीचे जाएगी तो उसको हम कहेंगे ट्रॉफ़ तो नेचर के बारे में जब लाइट ऊपर जा रही है इट इट इज़ इज़ नोन नोन क्रेस्ट लाइट नीचे जा रही है एज नाउ अ डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉफ उसको आप कहोगे वेव लैम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैमडा से दिस इज लैमडा ठीक है वन क्रेस्ट वो वन ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस लैमडा कहलाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर दीज आर प्रोपोगेटेड बाय मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स विच आर ट्रांसवर्स्ड टू द डायरेक्शन इन विच वाटर वेव ट्रांस ट्रेवल्स मतलब अभी जो मैंने आपको वेव मोशन शो किया क्रेस्ट और ट्रॉफ के फॉर्म में उस तरीके से वो आगे प्रोपोगेट करती हैं प्रोपोगेट मतलब कि आगे बढ़ना या फिर आगे मूव करना वेव लेंथ दैट इज लैमडा ऑफ सच वेव मोशन इज द डिस्टेंस बिटवीन दक्सेस क्रेस्ट एंड ट्रॉफ हाई मैंने बताया दो सक्सेस क्रेस्ट या फिर दो सक्सेसिव trough के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम lambda कहेंगे नेक्स्ट what इज amplitude ओवर here? तो देखिए मैं आपको डायग्राम से ही समझाती हूँ ये हमारे पास वेव नेचर अभी फर्दर फर्दर चलती जाएगी जब तक सोर्स पॉइंट नहीं आ जाता मतलब ऑब्जर्वर पॉइंट नहीं आ जाता यहाँ पर सोर्स होगा यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा अब इधर ये तो हमारा क्रेस्ट था ये ट्रॉफ फर्दर ये क्रेस्ट फर्दर ये ट्रॉफ ये क्रेस्ट एंड ये भी ट्रॉफ़ और फिर आगे भी बढ़ता जाएगा हमने बताया था आपको कि यहाँ पर यहाँ से लेके एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक या फिर समझ लीजिए एक क्रेस्ट से लेके एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ कम्बाइंड होके बनाते हैं लैमडा दैट इज़ वेव अब ये जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ये डिस्टेंस जो है आपके पास ये होती है एम्पलेट्यूड ठीक है तो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट ठीक है ओरिजिनल पॉइंट से लेके मैक्सिमम वाइब्रेशन तक जाना तो इधर इसका एम्पलेट्यूड uh, ये होगा इसका एम्पलीट्यूड ये इसका ये एंड फर्दर आप इसको ऐसे करके एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हो ठीक है तो ये थी एम्पलीट्यूड की बात एम्पलीट्यूड क्या होता है इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑसिट्री मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ इन अ लाइट वेव इज कॉल्ड एज पीडिक मोशन बिकॉज इट रिपीट इट सेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑसिट्री मोशन के बारे में बोला है कि ऑसिट्री मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि आप अपने आप को एक पीरियडिक टाइम पीरियड में मतलब एक सेम इंटरवल टाइम पर रिपीट करता है तो उसको हम कहेंगे क्या पीरियडिक मोशन ठीक है ऑक्सीटरी मोशन मीन्स सर्कुलर पाथ में रोल करें आप मूव करें पीरियडिक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में करें ना वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स विच एक्स एक्जैक्टली सिमिलर पोजिशन ऑन द वेव दैट मूवस इन द सेम डायरेक्शन दिस इज अ डेफिनेशन फॉर अगर आपको ये ईजी नहीं लगती तो आप सिंपल ये देख सकते हो तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड अ टू सक्सेसिव ट्रॉफ दिस मज द इजियर वन ओके तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रॉफ के बीच में जो था उसको हम वेवलेंथ कहते हैं तो अब तक आपने बेसिक्स uh, पढ़ लिए नेचर ऑफ लाइट के बारे में अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ लाइट तो आप ये सारे पॉइंट्स को या और भी आपको जो पॉइंट्स लाइट के बारे में पता हो वो सारे लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग पोलराइजिंग लाइट अब इसके बाद हम ऑर्डनाइ ऑर्डनरी और पोलराइजिंग लाइट के बारे में स्टडी करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो